दोस्तों आज फिर एक बार बात करेंगे एक ऐसे गिफ्ट सेट के बारे में जिसमें मिलती हैं आपको तीन फ्रेग्रेंसेस, बीस्पोक, बिलीफ एंड बेस्टो। हाय गाइस, वेलकम बैक, दिस इज अंशुल भाटिया एंड यू आर वाचिंग परफ्यूम बीस्ट। तो फ्रेंड्स, जैसा आप सब लोगों को पता है कि रक्षाबंधन का त्यौहार नजदीक आ रहा है और जैसे ही ये फेस्टिवल सीजन स्टार्ट होता है मार्केट में बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस आ जाते हैं गिफ्ट करने के लिए। तो मेरे हिसाब से जिन लोगों को परफ्यूम्स का शौक है, खुशबुओं का शौक है, उनके लिए गिफ्ट सेट एक बहुत ही अच्छी चॉइस है, बिकॉज उसके अंदर आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाती हैं फ्रेग्रेंसेस में ट्राई करने के लिए। तो आज मैं जिस गिफ्ट सेट के बारे में बात करने वाला हूँ वो है ला फ्रेंच ब्रांड की तरफ से। हालांकि ला फ्रेंच के बहुत सारे परफ्यूम्स को मैं पास में भी रिव्यू कर चुका हूँ, इनके गिफ्ट सेट्स भी आते थे पहले और बट उनके जो गिफ्ट सेट्स हैं उनको मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया था। बट सिंस ये एक रिसेंटली लॉन्च हुआ गिफ्ट सेट है तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसका रिव्यू किया जाए और आप लोगों को बताया जाए कि रक्षाबंधन के ऊपर ये भी एक ऐसा चॉइस है जो आप एक दूसरे को गिफ्ट कर सकते हैं। अब बात करूं, शुरुआत करूं कि ये गिफ्ट सेट की जो बॉक्स क्वालिटी है उससे, या इसके अंदर कौन सी फ्रेग्रेंसेस मिलती हैं, उनकी परफॉर्मेंसेस क्या है, किस तरीके की वो स्मेल करती हैं, किन लोगों के लिए है, तो फटाफट से अगर बात करूं बॉक्स क्वालिटी की तो जो इसकी बॉक्स क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं अच्छी बॉक्स क्वालिटी है, डिसेंट क्वालिटी है, एक स्टर्डी बॉक्स है, गुड इनफ टू हैंडल ऑल द फ्रेग्रेंसेस। अब जैसे ही हम इस बॉक्स सेट को खोलते हैं इसके अंदर हमें मिलती हैं तीन फ्रेग्रेंसेस जिनकी क्वांटिटी आपको मिलती है 30 ml ईच। और वो जो तीन बॉटल्स हैं, जैसे मैंने आपको उनके नाम ऑलरेडी बता ही दिए हैं, बिलीफ, बेस्टो एंड बीस्पोक। शुरुआत करूं बिलीफ फ्रेग्रेंस से, जो बिलीफ फ्रेग्रेंस है उसकी जो बॉटल का कलर है वो है पिंक। अब समहाउ मुझे ये कलर थोड़ा सा आप ये कह सकते हैं कि ऑकवर्ड लगा, बिकॉज समवेयर जो पिंक कलर है दैट इज रिलेटेड टू द गर्ल्स, बट एनीवेज अगर कलर को उतना इंपॉर्टेंस ना दे, बात करें इसकी खुशबू की तो ये मुझे एक ऐसा ऑलराउंडर टाइप सा फ्रेग्रेंस लगता है। कहीं ना कहीं जब आप इसे स्प्रे करते हैं तो इसको स्प्रे करते ही इसके अंदर से जो वाइब्स आती है वो सबसे पहले इसका सिट्रस नोट है और उसके बाद इसके अंदर आपको हल्की सी फ्रूटीनेस भी स्मेल करने को मिलती है और कहीं ना कहीं वो सिट्रस नोट्स और फ्रूटीनेस जब मिलती है तो वो एक रिफ्रेशिंग टाइप सा एहसास पैदा करती है। और अगर इसके ड्राई डाउन की बात करूं तो इसके ड्राई डाउन के अंदर आपको हल्के हल्के कहीं ना कहीं मस्क के हिंट भी मिलेंगे, थोड़े से वुड नोट्स का भी हिंट मिलेगा और आपको ये कह सकते हैं कि जब आप इसे लगाते हैं तो ये तो नहीं कहूंगा कि ये उसका क्लोन है बट कहीं ना कहीं आपको वैसी वाली वाइब्स देता है जिसका नाम है क्रीड एवेंटस। अब क्रीड एवेंटस के बहुत सारे ऑल्टरनेटिव मार्केट में अवेलेबल हैं, तो जैसा मैंने आपको कहा कि ये क्लोन तो नहीं है लेकिन अगर आप उसको रिप्लेस करना चाहते हैं, अगर आपका बजट कम है और आप ज़्यादा बजट नहीं खर्च कर सकते हैं, एक क्रीड एवेंटस का प्रॉपर फुल फ्लेजिड 100 ml का बॉटल आप नहीं खरीद सकते हैं, तो मेरे हिसाब से डेली वेयर के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन है। परफॉर्मेंस की अगर बात करूं तो इसकी परफॉर्मेंस मॉडरेट है, मतलब अगर आप इसे आउटडोर लगाना चाहते हैं तो मैं उसके लिए आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, बट अगर आपका दिन भर का काम ऑफिस में ही बैठने का है, आप दिन भर में ऑफिस में बैठते हैं अपना काम करते हैं तो आपके लिए एक अच्छी चॉइस है, बिकॉज दिस सेंट इज नीदर टू लाउड नॉट टू साइलेंट, मतलब एक मॉडरेट टाइप सा सेंट है, एक अच्छा सा बबल आपके आसपास क्रिएट करके रखता है। ऑफिस एटमॉस्फेयर के लिए इसलिए ज़्यादा अच्छा है बिकॉज जैसे मैंने कहा कि ज़्यादा लाउड नहीं है। अब दूसरे नंबर पे अगर मैं बात करूं तो दूसरे नंबर पे फ्रेग्रेंस आती है बेस्टो। अब बेस्टो में जो कलर आप देख सकते हैं बॉटल का वो है ग्रीन, लेकिन अब बेस्टो फ्रेग्रेंस है इसके बॉटल को कलर को देखकर लगता है कहीं ना कहीं थोड़ी सी नेचर टाइप सी खुशबू होगी, या मतलब थोड़ा सा ग्रीन्स की इसके अंदर से वाइब्स आएंगी, थोड़ा सा हर्बेशियस टाइप से नोट्स मिलेंगे, बट ऐसा नहीं है बिकॉज ये भी एक फ्रेश टाइप सा ही परफ्यूम है। मैं कहूँ कि समर्स के लिए एक बहुत ही अच्छी ऑप्शन है। अब अगर इस फ्रेग्रेंस के नोट्स की बात करूँ तो जब आप इसे स्प्रे करते हैं तो इसे स्प्रे करते ही आपको कहीं ना कहीं वो थोड़े से थिक नोट्स का भी एहसास होता है, मतलब वो पहले टॉप नोट के अंदर ही आपको एम्बर का हल्का सा एहसास आएगा, थोड़ा सा एक्सपीरियंस आएगा, ये कहूँ कि बैकग्राउंड में आपको एम्बर स्मेल करने को मिलेगा। अब एम्बर आपको पता है कि यूजुअली मेरे हिसाब से एक मतलब बेस नोट वाला इंग्रेडिएंट है, एम्बर को यूजुअली लोग बेस नोट के अंदर ज़्यादा यूज़ करते हैं, प्लेजेंट खुशबू होती है लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी थिक होती है, थोड़ी सी इंटेंस होती है। तो अगर मैं इस फ्रेग्रेंस को डिस्क्राइब करके या थोड़ा सा आपको समराइज करके बताऊं, नॉट डिस्क्राइब, समराइज करके बताऊं तो ये थोड़ा सा D&G the one टाइप जैसा लगता है, उसका क्लोन नहीं है। मैं बार बार आपको रिपीट करके बताता हूँ बिकॉज बहुत बार लोग इस चीज़ को मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं कि मैं जब भी किसी फ्रेग्रेंस का नाम लेता हूँ, किसी के साथ जोड़ता हूँ तो वो समझ लेते हैं कि ये उसका क्लोन है, हालांकि उसका क्लोन नहीं है बट समवेयर थोड़ी सी वैसी वाइब्स थ्रो करता है बिकॉज थोड़ा सा थिक नोट है, इंटेंस नोट है। अगर इसकी भी लॉन्जिविटी की बात करूँ तो ये मॉडरेट से स्ट्रॉन्ग तक है, ये भी एक ऑफिस वेयर आप कह सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको जिम में लगाना चाहें तो ये एक बहुत ही अच्छा जिम वेयर भी बन सकता है।
अब आखिर में बात कर लेते हैं इनकी तीसरी फ्रेग्रेंस के बारे में, जिसका नाम है बी स्पोक। अब जो ये बी स्पोक फ्रेग्रेंस है, दिस वन इज माय फेवरेट आउट ऑफ दीज थ्री फ्रेग्रेंसेस। उसका कारण आपको बताता हूं कि जो ये वाली फ्रेग्रेंस है, ये एक स्वीट स्पाइसी टाइप सी फ्रेग्रेंस है, और कहीं ना कहीं आपको इसके अंदर थोड़ा सा बबल गमी टाइप सा इफेक्ट मिलेगा। मतलब ये थोड़ी सी प्लेफुल और चेयरफुल टाइप सी फ्रेग्रेंस है, आपके मूड को इमीडिएटली बूस्ट कर देती है, रिफ्रेश कर देती है। अब ये फ्रेग्रेंस जब आप लगाएंगे, इस परफ्यूम को लगाते ही आपको दो परफ्यूम्स की मेजरली याद आएगी, जिसके अंदर रसासी हवास है और पाकुरबान इन्विक्टस है। अब ये इसका फेवरेट होने का कारण ये भी है, बिकॉज ये बाकी दो फ्रेग्रेंसेस से ज़्यादा अच्छा प्रोजेक्ट करता है, उनसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। तो आप ये कह सकते हैं कि जब आप इसे लगाएंगे तो मेरे हिसाब से आपके पूरे दिन भर का काम हो जाएगा। मोर ओवर ऑल दीज थ्री फ्रेग्रेंसेज, सिंस दे आर इन 30 ml क्वांटिटी, तो आप जब आप इसको अपने साथ कैरी कर सकते हैं, तो कैरी करने के साथ साथ आपको एक फ़ायदा ये भी हो जाता है कि आप इसका दिन भर का एक टॉपअप भी लगा सकते हैं, वेन एवर यू वॉन्टेड टू अटेंड समथिंग इंपॉर्टेंट। मतलब जब आप इसको ऑफिस में लेकर जाते हैं, आपको किसी के साथ अपने क्लाइंट को बाहर कॉफ़ी पे मिलना है, या उनको लंच करवाना है, या डिनर पे जाना है, तो आप इसको अगर जेब में कैरी करेंगे या पॉकेट में कैरी करेंगे, तो आप इसको उसी टाइम पर टॉपअप भी कर सकते हैं। अब आती है इस गिफ्ट सेट की कीमत की बारी, कि इसका प्राइस कितना है। अब हालांकि इसके ऊपर जो MRP लिखी हुई है वो तो 1399 लिखी हुई है फॉर 90 ml क्वांटिटी, क्योंकि इसके अंदर जैसा मैंने आपको कहा कि तीन बॉटल्स मिलती हैं छोटी 30-30 ml की, तो इसके अंदर ओवरऑल क्वांटिटी आपको 90 ml मिलती है। जो 1399 की प्राइस है, अगर आप इसको ऑनलाइन चूज करेंगे या ऑनलाइन कहीं से भी खरीदते हैं, Amazon से, Flipkart से, या किसी भी प्लेटफॉर्म से, तो मेरे हिसाब से आपको ये 650 से 650 के आसपास मिल जाती है। तो अगर आप ला फ्रेंच की खुशबुओं के फैन हैं, आप ऑलरेडी पहले यूज़ कर चुके हैं इस ब्रांड की फ्रेग्रेंसेज, और आप इनके गिफ्ट सेट को ट्राई देना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से ये एक सूटेबल ऑप्शन है। सो फ्रेंड्स, दिस वॉज माई रिव्यू फॉर ला फ्रेंच गिफ्ट सेट फॉर मेन। अब जैसा आपको पता है कि रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है, मैं पिछले कुछ वीडियोस गिफ्ट सेट्स के ऊपर बना रहा हूँ, सो आई हैव थॉट कि ये पूरा का पूरा वीक मैं गिफ्ट सेट्स को ही डेडिकेट करूंगा, सो दैट यू शुड हैव इनफ ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम ऑल द गिफ्ट सेट्स। अब हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है, जो अगर बहन को भाइयों को गिफ्ट करना है, भाई को गिफ्ट करना है, तो भी एक अच्छा ऑप्शन है। अदरवाइज अगर ये रक्षाबंधन का फेस्टिवल नहीं भी है या नहीं भी होता, तो जो आगे फेस्टिवल सीजन आ रहा है उसमें भी आप इन गिफ्ट सेट्स को कंसिडर कर सकते हैं एक दूसरे को गिफ्ट करने के लिए। तो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आपकी इजाज़त लूँ, मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, एक जेंटल रिमाइंडर देना चाहता हूँ कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप खुशबुओं का शौक रखते हैं, तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज यहाँ पे हम हर एक चीज़ के बारे में बात करते हैं, चाहे वो अत्तर हो, डिओड्रेंट्स हो, परफ्यूम्स हो, परफ्यूम ऑयल्स हो, एंड सून आई विल ट्राई टू कवर मेनी मोर थिंग्स विच आर रिलेटेड टू फ्रेग्रेंसेज लाइक सेंटेड कैंडल्स, इंसेंस स्टिक्स। तो आप कहीं वो कंटेंट मिस ना कर दें, तो उससे पहले आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। महकते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, एंजॉय लाइफ एंड टेक केयर।